नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में PTET एग्ज़ाम के लिए हम लोग रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन में। पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से होता है उसी प्रकार का हमें तीसरे से चौथे से निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी के अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। आई का देखिए कितना होता है, अल्फ़ाबेट कोड 9 होता है। आर का होता है 18, एक्स का होता है 24, ओ का होता है 15। और इसी प्रकार हमें आगे ओ दिया हुआ है, ओ का होता है 15, एफ का होता है 6, डी का होता है 4 और सी का होता है 3। अब देखिए आई से अगर ओ बनाएंगे मतलब 9 से 15 बनाना है तो इसमें कितना जुड़ेगा, 6 जुड़ा। अब देखिए आर से हम लोग एफ बनाते हैं मतलब 18 से कितना बना रहे हैं, 6 बना रहे हैं, तो इसमें क्या घट रहा है, 12 घट रहा है। अब 24 से हमें 4 बनाना है, 24 से 4 बनाना मतलब 24, एक्स से हमें डी बनाना है तो इसमें कितना जोड़ेंगे, प्लस का 6 जोड़ेंगे। और फिर ओ से हमें सी बनाना है, 15 से 3 बनाना है तो कितना घटाया, 12 घटाया। मतलब पहले 6 जुड़ा, फिर 12 घटा, फिर 6 जुड़ा, फिर 12 घटा। यही तरीका अप्लाई करेंगे आगे एल यू ओ आर में। तो लिख लेते हैं एल यू ओ आर, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एल का होता है 12, यू का होता है 21 और ओ का होता है 15, आर का होता है 18। पहले में हम लोगों ने 6 जोड़ा था तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 18। फिर हम लोगों ने 12 घटाया था तो 21 में से 12 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 9। अब फिर 6 जोड़ेंगे इसमें 15 में तो आपका आ जाएगा 21 और फिर 12 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 6। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। आर 18 होता है आर का, 9 होता है आई का, 21 किसका होता है, यू का, और 6 किसका होता है, 6 होता है एफ का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 52 से 53 के लिए दिए गए प्रश्नों में विषम शब्द चुनना है। विषम क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं जिसमें से 3 जो ऑप्शन होते हैं वो समान होते हैं और जो एक ऑप्शन आपका बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, असंगत हो जाता है, विषम हो जाता है, ये सभी नाम होते हैं। तो इसमें देखिए ये 52 क्वेश्चन है, इसमें से विषम कौन सा होगा, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन बी 25। क्यों होगा, क्योंकि 25 को छोड़कर बाकी क्या है, कृत्रिम चीज़ें, वायुयान मानव निर्मित है, टैंकर भी, हवाई छतरी, ये भी तीनों क्या है, मानव निर्मित हैं, लेकिन 25 जो होता है वो सजीव होता है जिसमें जीवन होता है। अगला है 53 में भी आपका विषम कौन सा होगा, तो देखिए विषम हो जाएगा ऑप्शन बी सजा वकालत। क्यों, अपराध अगर अपराध करते हैं तो सजा मिलती है, मेहनत करते हैं तो सफलता मिलती है, व्यायाम करते हैं तो स्वास्थ्य ठीक रहता है, लेकिन सजा मिलती है तो वकालत नहीं करते, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है गाइस, एक निश्चित कूट भाषा में रिक्वायर को इससे लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में टार्निस को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो रिक्वायर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, आर ई क्यू यू आई आर ई, इससे आपका क्या बनता है, आई आर ई, फिर वी, उसके बाद क्यू ई आर, ऊपर हम लोग 3 का जोड़ा बना लेते हैं, लास्ट में 3 का जोड़ा बना लेते हैं, मतलब आगे के 3 अल्फ़ाबेट का 3 जोड़ा और लास्ट के 3 अल्फ़ाबेट का जोड़ा, और इससे जो बना है इसका 3 जोड़ा, इसका 3 जोड़ा, बीच में यू है, यू से आपका वी बन रहा है, मतलब यू का अल्फ़ाबेट कोड 21 होता है, वी का होता है 22, तो इसमें देखिए 1 की वृद्धि हो रही है। अब जो देखिए रिक्वायर से आई आर ई बना है तो आपका क्या हुआ है, लास्ट वाले जो 3 डिजिट हैं अल्फ़ाबेट हैं ये उठा के आगे कर दिए गए हैं और जो स्टार्टिंग के 3 अल्फ़ाबेट हैं इनको उठा के पीछे कर दिया गया है। मतलब कैसे किया गया है आपको बता देता हूँ, ये किया गया है, इनको पलट दिया गया है, आर ई क्यू है इनको विपरीत कर दिया गया है, पलट दिया गया है, पीछे से स्टार्ट किया गया है, क्यू ई आर, क्यू ई आर, ओके। तो यही तरीका हम लोग टार्निस में करेंगे, टार्निस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, टी ए आर
एन आई एस एच, लास्ट वाले पहले तीन अल्फ़ाबेट उठाएंगे इनको आगे कर देंगे आई एस एच, और बीच वाला जो एन है इसमें एक की वृद्धि कर देंगे, एन का अल्फ़ाबेट कोड होता है 14, 14 में एक जोड़ेंगे तो आपका 15, 15 किसका होता है ओ का। अब जो स्टार्टिंग के तीन अल्फ़ाबेट हैं इनको पलट देंगे तो आर ए टी, ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं देख सकते हैं आप गाइस, तो ये आ रहे हैं आपके ऑप्शन डी में, आई एस एच आई एस एच ओ आर ए टी ओ आर ए टी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में ये नंबर लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में परसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो एप्रिसिएशन के सारे अल्फ़ाबेट पहले लिख लेते हैं, ए डबल पी और फिर है आर ई, उसके बाद है सी आई, फिर ए टी ए टी आई ओ एन आई ओ एन। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं क्या क्या दिया हुआ, एक पी का फिर सात, फिर पी का सात, आर का कितना है आठ, ई का कितना है तीन, सी का कितना है दो, आई का कितना है चार, फिर ए का कितना है एक, टी का कितना है नौ, आई का कितना है चार, फिर ओ का कितना है छः, और फिर लास्ट में एन का कितना है पाँच। अब देखिए परसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा, परसेप्शन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, पी ई आर सी ई पी टी आई ओ एन। अब कैसे करेंगे इसको, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखिए ये ऊपर अप्रिसिएशन में पी का अल्फ़ाबेट कोड क्या है सात, यहाँ पर सात कर दिया। अब ई का देखिए अप्रिसिएशन में कितना है तीन, तो परसेप्शन में ई का तीन हो गया। अब परसेप्शन में आर का देखिए कितना है आठ, तो आठ आर का आठ कर दिया। अब सी का फिर से हमें करना है, सी का अप्रिसिएशन में कितना है दो, तो दो लिख दिया। अब ई की बारी, ई का हम लोग पीछे लिख सकते हैं, लिख चुके हैं कितना है तीन, और पी का भी लिख चुके हैं कितना है सात, तो सात लिख दिया। और अब आया टी की बारी परसेप्शन में, तो टी देखिए अप्रिसिएशन में टी का कितना कोड है नौ, तो यहाँ पर नौ कर दिया। आई का हमें फिर करना है, आई का देखिए लास्ट में कितना है चार, तो चार कर दिया। ओ एन लास्ट में कितना है छः और पाँच, तो छः और पाँच कर दिया हम लोगों ने। और ये जो नंबर आया यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन में आ रहे हैं ऑप्शन ए में। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन गाइस करते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण है 6-9-2 किसके बराबर, 926 के बराबर। देखिए इसको ए कर देते हैं 9 6 को, इसको वी इसको सी, और जो 926 बना है इसमें देखिए सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 9 का हम लोगों ने क्या अल्फ़ाबेट माना है वी, 2 का क्या माना है सी, और 6 का क्या माना है ए, मतलब बी सी ए फॉर्म में आपका ये चल रहा है। अब देखिए आगे है अगला समीकरण 3-2-1 213, इसमें भी ए बी सी कर लेते हैं। 2 का क्या माना है वी, 1 का क्या माना है सी, और 3 का ए, ये भी वी सी ए फॉर्म में चल रहा है। तो यही तरीका हम लोग 048 में करेंगे, 048 ए बी और सी, तो बी सी ए फॉर्म में करेंगे, बी का कितना है 4, सी का कितना है 8, ए का कितना है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 400 सी, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, चिन्हों के किस अदल बदल से निम्न समीकरण सही हो जाएगा। तो ऐसा हमें ऑप्शन चुनना है जिससे कि ये समीकरण सही हो जाए। और गाइस आपको बताना चाहूँगा, अगर हम लोग LHS वाला सॉल्व करें तो हमें RHS मिल जाए। तो LHS पहले लिख लेते हैं 30-6/4 और फिर है +2×3। अब ऑप्शन हमें चुनना है कौन सा होगा, ऑप्शन सी। देखिए जहाँ पर माइनस आए वहाँ पर भाग कर दो, और जहाँ पर भाग आए वहाँ पर माइनस कर दो, तो ऑप्शन सी। तो आगे हमारा इक्वेशन 30 माइनस, माइनस की जगह भाग कर देंगे और भाग की जगह माइनस, तो -4 फिर +2×3। बॉड मास रूल लगाएंगे तो सबसे पहले भाग वाला सॉल्व होगा, तो 30 में 6 का डिवाइड करेंगे तो 6×5=30 -4+2×3। अब मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग, तो 5-4+6
अब प्लस वाला करेंगे तो 6 और 5 कितना होता है, 11। 11 में से 4 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 7, जो कि हमें मिल गया RHS के बराबर। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए, समीकरण संतुलित, ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है कि मिसिंग नंबर क्या होगा, तो एक एक कॉलम को लेकर सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम में नीचे बड़ी संख्या है 36, ये कैसे लाएंगे, तो 36 के ऊपर कौन कौन सी संख्या है, 6, 3 और 2, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6, 3, 18, 18, 2, 36 मिल गया। अब सेकंड कॉलम को सॉल्व करेंगे, नीचे बड़ी संख्या है 72, ऊपर के कौन कौन सी संख्या है, 4, 6 और 3, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 72 आ जाएगा। यही तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाएंगे, 5 × 5 × 4, 5×25, 25×100, तो आंसर क्या हो जाएगा, 100। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, अंजू अपने घर से साइकिल पर दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर जाती है। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और ये दक्षिण, दक्षिण नीचे होता है, तो दक्षिण की ओर कितना जाती है, 8 किलोमीटर। फिर क्या करती है, दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर जाती है, तो दाएं आपका किधर हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना जाती है, 5 किलोमीटर। फिर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर जाती है, दाएं आपका ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना गई, 8 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाती है, तो बाएं आपका किधर हो जाएगा, इधर तरफ, तो कितना जाती है, 10 किलोमीटर। उससे सीधे अपने घर पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर साइकिल और चलानी पड़ेगी। तो गाइस देखिए, आपको दूरी कौन सी बतानी है, आपको दूरी ये वाली बतानी है, ए यहाँ पर थी, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये वाली दूरी बतानी है पूरी। तो देखिए नीचे 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगा, तो टोटल दूरी लास्ट पॉइंट से ए तक की कितनी हो जाएगी, 10 + 5 = 15। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, यदि मास्टर को एक कूट भाषा में ये लिखा जाए, तो उस कूट भाषा में कैरेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मास्टर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, MASTER, इससे क्या लिखा जाता है, इसे SAMRET। तो आपका देखिए क्या हुआ, 3-3 के जोड़े बना लो, S देखिए इधर आ गया, A बीच में रहा, M इधर आ गया, इसी प्रकार R इधर आ गया, B बीच में रहा, T इधर आ गया। यही तरीका हम लोग कैरेट के लिए करेंगे, तो CARROT, 3-3 के जोड़े बना सकते हो आप, तो R इधर आ जाएगा, A बीच में रहेगा, C उधर चला जाएगा, फिर इसी प्रकार T आगे आ जाएगा, O बीच में रहेगा, R इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।